स्कूल एनर्जी क्लब योजना अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के मुख्यातिथ्य में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के माध्यम से चयनित शासकीय विद्यालयों में गठित एनर्जी क्लब के तहत ऊर्जा दक्षता उपकरण वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस दौरान रीवा सांसद एवं कलेक्टर द्वारा शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय के प्राचार्यों को LED बल्ब, फैन एवं ट्यूबलाइट का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही जिले में चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो इस थीम पर शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर RN पटेल, मार्तन क्रमांक 1 के प्राचार्य GP उपाध्याय सहित अन्य प्राचार्य एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ लेती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशा का उपयोग नहीं करूँगा करूँगी। अवगत हूँ कि नशीले पदार्थों की आदत के कारण वर्तमान में समाज का वातावरण विकृत एवं दूषित हो रहा है। इसलिए मैं प्रण करता करती हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मिलकर एकजुट होकर नशे एवं नशीले पदार्थों के खिलाफ आम व्यक्तियों को जागरूक करूंगा करूंगी। मतलब आप ना एनवायरनमेंट को स्पेशली इस प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, मतलब कहाँ कौन सी एनर्जी को बार बार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, ये सारे रिन्यूएबल है, मतलब बार बार हम लोग कर सकते हैं, डिप्लीट नहीं होगा। बट कोल बेस्ड जैसे थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और जब तक कोल मिल रहा है तब तक है, कोल का पैसा बढ़ेगा तो एनर्जी का कास्ट है ना बढ़ने लगेगा। सो कहीं ना कहीं हमको धीरे 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 हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में सिग्निफिकेंट लेवल पे शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली हम एक एनर्जी सफिशियंट, सबको पता है एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है। 20 साल 25 साल पहले ना क्या सिचुएशन था, 30 साल पहले सिचुएशन क्या था, 50 ईयर्स बिफोर। सो एनर्जी आज कितने भी साधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं, सारे ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसको एनर्जी तो जरूरी है ही है। सो वहाँ हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में जाना, नॉलेज होना, एनर्जी क्लब को इन्हें फंक्शनल कराना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड का केस चल रही है, जैसे कोविड हो जाएगा तो फिर उसके बारे में हम स्टडी करना, एक है ना नॉलेज है ना जनरेट करना। आई एम श्योर मतलब बच्चे को मन में ना कुछ चीज़ें डाला जाता है तो फिर जब वो बड़े होंगे डेफिनेटली एक पर्यावरण का है ना ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ काम करेंगे। वही हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। आने वाला भविष्य, आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं, उसमें वन ऑफ द सबसे ज़्यादा एक नष्ट करते जाते हैं हम एनर्जी, हमारी लग्जरी लाइफ, सारे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। सो कुछ बचाने का तो रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको नेक्स्ट जनरेशन को भी है ना तक पहुँचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज सबको बधाई है, आप लोगों को स्कूल में मिल रही है, उतना ही उत्तेज से एनर्जी क्लब की है ना कितने भी गतिविधियाँ है ना मतलब दिया गया है उसको आप लोग है ना अक्षरता पालन करें। राइट, हमने कि भाई सब लोग बाण सागर में भी सोलर पावर प्लांट, ये गौतम जी को मालूम है, इस तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो ये तो अपना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि हम आप लोग यहाँ प्रिंसिपल लोग हैं इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है कि ये आज केवल रीवा जिले का चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है, अमेरिका कहता है कि नहीं हम तो अपने कारखाने बंद नहीं करेंगे, हम तो अपने बिजली घर नहीं बंद करेंगे, तुम बंद करो, तो हमारे ऊपर जो दबाव आ रहा है उस दबाव को इन महाशक्तियों से हम कैसे लड़े और हिंदुस्तान की ताकत कैसे दुनिया के सामने खड़ी हुई। नहीं, जलवायु परिवर्तन के लिए जितना प्रयास हम कर रहे हैं उतना तुम नहीं कर रहे हो, उतना कोई दुनिया का देश नहीं कर रहा, उसके लिए एक एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, कोई अकेले एक सरकार के बस की चीज नहीं है ये। अगर पारित होगा कि धान का रकबा घटाओ तब क्या करेंगे, मजबूरी है, घटाना पड़ेगा, अगर आपको दुनिया के साथ रहना है तो घटाना पड़ेगा। तो धान का रकबा न घटे इसके लिए जरूरी है कि सोलर पावर का काम चले, LED बल्ब जले,
अभी एलईडी वाले 20,000 करोड़ रुपए पिछले साल, ये कोरोना के पहले वाले जो साल में 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ केंद्र सरकार को, केले केंद्र सरकार एलईडी वाल के माध्यम से। बाकी तो और नीचे जाकर के आप इंडिविजुअल आपको फायदा हुआ होगा कितना हुआ कितना नहीं हुआ, अकेले सरकारों केंद्र सरकार ने सरकारों को फायदा हुआ 20,000 करोड़ का अकेले सरकारों का इन्वेस्टमेंट कम हुआ। तो आपकी गाड़ी जब चलने लगेगी, कार चलने लगेगी सोलर पावर से, आपकी मोटरसाइकिल सोलर से चलेगी, आपकी घड़ी सोलर से चलेगी, वो दिन अगर हम इसका जागरूकता से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमको न तेल की जरूरत पड़ेगी न कोयले की जरूरत पड़ेगी, रेल हवाई जहाज से लेकर के और हमारी घड़ी तक साइकिल तक सब ये सूरज की रोशनी से बिजली पैदा प्राप्त करके और चलेंगे। इस ओर अगर हमने प्रयास करना शुरू कर दिया उसको कौन सिखाएगा, कौन बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बच्चों का दिमाग बनाना पड़ेगा कि नहीं हमारी साइकिल ग्रीस से नहीं सोलर से चलेगी जैसा अभी बता रहे थे।